गुड इवनिंग एवरी वन आई एम विवेक ठाकुर वेलकम यू ऑल इन एम सी एस लाइव गुरु एंड टूडे आई एम हेयर टू एक्सप्लेन यू सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस ठीक है मैं कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो फिजिक्स की आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा और आज का मेरा जो टॉपिक रहेगा दैट इज़ रिलेटेड टू लेंसेज और लेंसेज के बारे में मैं कुछ ऐसे फार्मूले आपके साथ डिस्कस करूँगा आई एंड आई होप के आपके जो भी कमिंग एग्जाम्स होंगे जिस भी चीज़ का आप एग्जाम देंगे तो मेरी ये मतलब श्योरिटी रहेगी कि एक या दो आपको जो सवाल हैं जो क्वेश्चन हैं रिलेटेड टू दीज फार्मूलाज आपको पेपर में ज़रूर देखने को मिलेंगे सो हेयर वी गो और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ हमारा टॉपिक टॉपिक का नाम क्या है लेंसेस तो आप सब लोगों को पता है कि जो हमारे लेंसेज होते हैं ठीक है ना वो दो टाइप के होते हैं वन इज़ कनकेव लेंस एंड सेकेंड वन इज कन्वेक्स लेंस एक जो हमारा लेंस है वो रहेगा कन्केव लेंस और सेकेंड होगा हमारा कन्वेक्स लेंस मैं उनके जो डायग्राम है वो यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ एंड आई होप कि आप सब लोगों ने स्कूल्स में ये पढ़ा है अपनी साइंस की क्लास में ये पढ़ा है कि जो कन्केव लेंस होता है वो बीच से ठीक है ना सेंटर से क्या होगा थिन होगा और अपनी पेरीफेरी से या अपने से क्या रहेगा वो थिक होगा और जो आपने कन्वेक्स लेंस के बारे में कुछ और चीजें जो मैं इनमें ऐड करने जा रहा हूं आई थिंक आप लोगों को पता होंगी ठीक है पर हम लोग जो है वो उन चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं बट आप लोगों को ये बेसिक चीजें जो है वो जरूर पता होनी चाहिए हमारा जो कन्वेक्स लेंस है कन्वेक्स लेंस ये जो हमारा कन्वेक्स लेंस है बेटा ये लेंस जो है हमारा ये जो है इट इज सेंटर ऑफ द कन्वेक्स लेंस इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर और जो लाइन ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है बेटा इस लाइन को हम क्या बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस इस लाइन का क्या नाम रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो हम लोगों को कुछ रूल्स हैं जो कि हमने रे डायग्राम्स बनाते टाइम जो है वो कुछ रूल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा शॉर्ट में आप ये चीजें जो है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा डायरेक्टली फिर हम लोग जो है वो क्वेश्चन पे आएंगे सबसे पहला जो आपने रूल पढ़ा है वो ये पढ़ा होगा कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल ये क्या है हमारे पास दिस इज रे ऑफ लाइट अब ये रे ऑफ लाइट जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है पैरल है तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल होती है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन ठीक है आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या करेगी बेंड होगी और एक पॉइंट से पास करेगी प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं फोकस बोलते हैं ठीक है और अगर मैं एक और रे ऑफ लाइट यहां से लेता हूं अगेन द रे ऑफ लाइट इज पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ठीक है बेटा तो ये रे ऑफ लाइट भी जब इसकी रिफ्रेक्शन होगी तो ये रे ऑफ लाइट भी उसी पॉइंट से पास करेगी जिस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं फोकस तो एक चीज आपने यहां से देखी कि जब भी रेज ऑफ लाइट आती है लेंस में से पास करते हैं और पास करने के बाद वो एक पॉइंट के ऊपर क्या हो जाती है एक दूसरे को मीट कर लेती हैं मतलब के कन्वेक्स लेंस जो है वो पूरी की पूरी लाइट रेज जब उसमें से पास करती हैं तो उन सब लाइट रेज को एक पॉइंट के ऊपर क्या कर देता है इकट्ठा कर देता है कन्वर्ज कर देता है तो इसीलिए कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं ये चीज आपने याद रखनी है कि कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है इसके बाद अगर हम बात करेंगे कनकेव लेंस की तो कनकेव लेंस कुछ इस तरह का होगा कनकेव लेंस ठीक है जी बेटा और ये रहेगा उसका ऑप्टिकल सेंटर ये रहेगी प्रिंसिपल एक्सिस इस लेंस के में क्या होता है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट आती है और जो रे ऑफ लाइट होगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल होती है क्या होती है पैरल तो जब इस लेंस में से पास करती है तो वो रे ऑफ लाइट को लेंस क्या कर देता है बेटा डाइवर्ज कर देता है ये रे ऑफ लाइट जो है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसे चली जाएगी ये रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रेक्शन जो है वो ऐसे चली जाएगी तो मतलब कंकेव लेंस में से जब रेज ऑफ लाइट पास करती है पास करने के बाद वो क्या कर जाती है बेटा बिखर जाती है सेपरेट हो जाते हैं तो इसलिए हम कनकेव लेंस को कौन सा लेंस बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस ये भी आपने याद रखना है कि कनकेव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस एंड कन्वेक्स इज अ कन्वर्जिंग जो हमारा प्रीवियस डायग्राम था यहां से कुछ चीजें जो है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा ये जो पॉइंट था लेंस का जो सेंटर होता है क्या बोला था मैंने इसको बहुत सारे लोगों को जो है वो पता चल गया होगा कि इसको क्या नाम दिया था हमने ऑप्टिकल सेंटर और हम लोगों ने इसको डिनोट कर लिया विद लेटर ओ और ये जो जो पॉइंट था जहां पे रेज ऑफ लाइट है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन लेंस क्या करता है लाइट को बेटा रिफ्रेक्ट करता है मतलब कि जब लाइट जो है वो लेंस में से पास करती है तो वो अपना जो उसका पाथ होता है उससे वो थोड़ा क्या हो जाती है डाइवर्ट हो जाती है पाथ को क्या कर देती है चेंज कर लेती है लाइट अब इसके बाद ये जो फोकस है और ये जो ऑप्टिकल सेंटर है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है जो दूरी होती है ठीक है ना द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इसको डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा फोकस जिसको हम डिनोट करते हैं विद स्मॉल एफ स्मॉल एफ क्या है फोकल लेंथ अच्छा एक चीज में ठीक है आप लोगों के साथ आ, ये डिस्कस करूंगा ठीक है ये जो है हमारे पास सपोज करो कि एक लेंस हमारे पास है ये इस लेंस को हमने बोल दिया L1 और एक लेंस था हमारे पास ये ठीक है बेटा जिसको हमने बोल दिया L2 ओके ये इसका ऑप्टिकल सेंटर आ गया और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस आ गई ठीक है बेटा ये इसका ऑप्टिकल सेंटर आ गया ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस आ गया अब एक चीज ठीक है जो आपने मेरे को बतानी है ठीक है क्या ये दोनों लेंसेज जो हैं L1 वन और L2 टू क्या ये दोनों लेंसेज जो हैं वो रे ऑफ लाइट को इक्वली बेंड करेंगे जैसे सुपोज करो कि ये रे ऑफ लाइट यहां से गई ठीक है ना एक रे ऑफ लाइट जो था वो ये गया तो क्या ये लेंस और ये लेंस जो है वो रे ऑफ लाइट को इक्वली बेंड करेंगे ठीक है मतलब अगर हम इस लेंस में से देखेंगे तो ये रे ऑफ लाइट जो थी वो कुछ ऐसे जाएगी और इस लेंस में से अगर देखेंगे तो रे ऑफ लाइट जो था वो कुछ ऐसे जाएगी ठीक है मतलब ये इसका फोकस आ गया और ये इसका फोकस आ गया इसके फोकस को हम डिनोट कर लेते हैं विद एफ वन और इसको हमने डिनोट कर दिया विद एफ टू तो क्या आप लोगों को यह दिख रहा है कि इसमें रे ऑफ लाइट जो थी वो कम बेंड करी और इसमें रे ऑफ लाइट जो थी वो ज्यादा बेंड करी ठीक है इसमें रे ऑफ जो थी वो ज्यादा बेंड करी इसमें रे ऑफ जो थी वो कम बेंड करी ठीक है मतलब के ये जो डिस्टेंस था इसका इसको हमने क्या बोल दिया फोकल लेंथ इसको हम डिनोट कर लेते हैं एफ वन के साथ और ये जो है इसका फोकल लेंथ जो है इसको हमने डिनोट कर लिया किसके साथ बेटा एफ के साथ अब आप लोगों ने ठीक है ना मतलब दोनों लेंसेज का ठीक है ना जो इन्होंने लाइट को क्या कर दिया बेटा डेविएट किया ठीक है लाइट को क्या किया बेंड किया डेविएट किया तो क्या आप लोग देख रहे हैं कि ये लेंस थोड़ा सा थिक था ये लेंस थोड़ा सा थिन था तो इसने कम बेंड किया लाइट को इसने ज्यादा लाइट को बेंड कर दिया ठीक है ना अब जो ये इनका डिग्री ऑफ डेविएशन ऑफ लाइट होता है उसको हम बोलते हैं पावर ऑफ लेंस जिस लेंस की पावर ज्यादा होगी उस वो लेंस जो था वो ज्यादा लाइट को डेविएट करता है ज्यादा उसको बेंड करता है और जिस लेंस का पावर कम होता है वो लाइट को कम बेंड करता है ठीक है पावर ऑफ लेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पावर ऑफ लेंस ठीक है बेटा पावर ऑफ लेंस को डिफाइन करने का ठीक है पावर ऑफ लेंस जो है ये होता है वन अपॉन फोकल लेंथ वन अपॉन फोकल लेंथ अपॉन फोकल लेंथ ठीक है बाय फोकल लेंथ ये फॉर्मूला है पावर ऑफ लेंस निकालने का मतलब के आपको अगर फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज गिवन ठीक है तो आप लोग क्या निकाल सकते हैं उसका पावर निकाल सकते हैं ठीक है अब सपोज करो मेरे को ये लेंस दिया हुआ था ठीक है इसकी जो फोकल लेंथ थी वो मेरे को गिवन थी ठीक है ना इट इज गिवन टू अस कि फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस इज़ 20 सेंटीमीटर इस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर ठीक है अब मेरे को निकालना है सपोज करोगे एल वन का पावर निकालना है इसकी पावर को मैं कंसिडर कर लेता हूं पी वन और इस लेंस की जो पावर होगी इसको हम मान लेते हैं पी टू तो पी वन कैसे निकलेगा पी वन कैसे निकलेगा वन अपॉन एफ वन वन अपॉन एफ वन अब वन अपॉन एफ वन मीन वन अपॉन ट्वेंटी है ना फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली क्या वन बाय ट्वेंटी वन बाय ट्वेंटी मतलब जब हम इसको वन को ट्वेंटी से डिवाइड करेंगे तो हम लिखेंगे जीरो पॉइंट जीरो फाइव ये आ गया पावर ये क्या आ गया पावर आर यू अग्री विथ दिस ठीक है क्या आप सब लोग जो है इससे सहमत है कि ये पावर निकल गया भाई क्योंकि सर ने फार्मूला बताया वन अपन फोको लेंथ और हमने वन अपन फोको लेंथ का फॉर्मूला लगाया और ये आ गया तो क्या ये सही है ठीक है ना तो मेरे अकॉर्डिंगली ये क्या है ये गलत है ये ये नहीं आएगा भाई ये आंसर नहीं है ठीक है ना फॉर्मूला जो आपने अप्लाई किया ये सही है पर जो पावर आया वैल्यू आई वो क्या है गलत है क्यों गलत है एक चीज इसको दिमाग में रखना है कि आप नोमेरिकल प्रॉब्लम्स को जब भी सॉल्व करते हैं नोमेरिकल प्रॉब्लम्स को जब भी सॉल्व करेंगे एक चीज आपने जरूर ध्यान में रखनी है कि जब भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो तो आपके जो यूनिट्स हैं वैल्यूज के ठीक है जो फिजिकल क्वांटिटीज जो भी गिवन है उनके यूनिट्स जो है वो कौन से यूनिट होने चाहिए एस आई यूनिट होने चाहिए कौन से यूनिट होने चाहिए एस आई यूनिट ठीक है ना तो अभी अगर आपको फोकल लेंथ फोकल लेंथ मतलब लेंथ और लेंथ, डिस्टेंस, हाइट इन सब का ऐसा यूनिट क्या होता है आई थिंक आप लोगों को पता है कि यूनिट क्या होता है? मीटर तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना था कि जो फोकल लेंथ गिवन था एफ वन ट्वेंटी सेंटीमीटर ट्वेंटी सेंटीमीटर को सबसे पहले क्या बनाना था अपने मीटर बनाना था मीटर में कन्वर्ट करना था उसको फिर उसको जो था वो फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना है हमेशा ये चीज को दिमाग में रखिए आप अपने कि जब भी नोमेरिकल्स में वैल्यूज पुट करनी है तो मेक श्योर कि आप सब की सब जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको उनके एस आई यूनिट्स में कन्वर्ट करें इफ दे आर नॉट गिवन इन दी एस आई यूनिट तो उनको एस SI यूनिट में कन्वर्ट करें और फिर उनको फॉर्मूले में पुट करें तो सेंटीमीटर के मीटर कैसे बनते हैं ट्वेंटी ठीक है डिवाइडेड बाई हंड्रेड एंड सेंटीमीटर चेंजेस टू मीटर आफ्टर दैट नाउ वी कैन पुट इन द फॉर्मूला ठीक है तो फॉर्मूले में पुट करते हैं हम लोग तो हम लोग कुछ ऐसा लिखते P1 वन इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ दिस फोकल लेंथ दैट इज 20 डिवाइडेड बाय 100 एंड नाउ इट इज इन मीटर्स सो इट बिकम्स अब इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी अब आप लोगों को अगर मैथमेटिक्स के रूल्स पता हैं तो आप लोगों को यह पता होगा कि 100 को हम लोग शिफ्ट कर देंगे न्यूमिनेटर में और यह डिवाइडेड बाय 20 ये मीटर यहीं पे रहेगा डिनोमिनेटर में ये और ये कट के कितना आ जाएगा 5 5 और ये मीटर डिनोमिनेटर में है ठीक है ना डिनोमिनेटर से अगर इसको न्यूमिनेटर में शिफ्ट करेंगे बेटा तो आप लोगों को पता है कि जब भी कोई डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में शिफ्ट किया जाता है तो उसकी पावर क्या हो जाती है नेगेटिव में हो जाती है पावर क्या हो जाती है नेगेटिव में तो मीटर जो था ये बन जाएगा मीटर इनवर्स और मीटर इनवर्स को एक स्पेसिफिक टर्म एक स्पेसिफिक नाम गिवन है दैट इज डायोप्टर दैट इज डायोप्टर ठीक है डी फॉर डायोप्टर डी आई ओ पी टी आर ई डायोप्टर तो पावर का जो ऐसा SI यूनिट है पावर का जो ऐसा SI यूनिट है दैट इज डायोप्टर तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि पावर का ऐसा SI यूनिट क्या है डायोप्टर आफ्टर दिस कुछ और चीजें जो है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए ठीक है मैंने दो लेंसेज आप लोगों को समझाए वन इज कन्वेक्स एंड सेकेंड वन इज कनके ठीक है इन दोनों में एक चीज जो थी ठीक है ना वो कॉमन थी ठीक है कि जब भी जो लाइन है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी केस ऑफ कन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्रेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस पे पे एक पॉइंट आके मीट करेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे फोकस। बट क्या वो इसमें भी सेम रहेगा कनकेव लेंस में कनकेव लेंस के लिए जो फोकस है दैट इज नॉट एज इट इज फॉर कन्वेक्स लेंस इसके लिए वैसा नहीं है क्योंकि ये रे ऑफ लाइट क्या कर दी इसने यहां से डाइवर्ज कर दिया ना दोनों रेस को डाइवर्ज करने के बाद हम लोग जो इनका डायरेक्शन है उसको हम बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करते हैं इसका भी और दूसरी रे का भी जहां पे ये एक दूसरे को मीट करेंगे वो फोकस होगा किसका किसका फोकस होगा कन्केव लेंस का तो मतलब कि जो कन्वेक्स लेंस का फोकस है दैट इज रियल फोकस और इसका जो फोकस है इट इज नॉट द रियल फोकस ठीक है ये कैसे बनता है जो डायवर्जिंग रेस हैं, उनको बैकवर्ड डायरेक्शन में आप प्रोड्यूस करेंगे फिर वो एक पॉइंट के ऊपर मीट करेंगी और वो बनेगा आपका फोकस ऑफ कनकेव लेंस अब कुछ और चीजें जो हैं, जो कि आपके आ, उसमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ रूल्स हैं जो आप लोगों को अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे सबसे पहली बात है कि लेंसेज के केस में जो भी डिस्टेंसिस ठीक है ना जो भी दूरी हम किसी भी ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लेंस से कितना दूर है उसकी इमेज लेंस से कितना दूर बन रही है तो वो जो दूरी हम लोग मेजर करेंगे डिस्टेंस मेजर करेंगे तो सारे के सारे जो डिस्टेंसिस हैं वो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किए जाएंगे ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किए जाएंगे दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट यहाँ से मेजर किए जाएंगे और कुछ और चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे मैं ऐड करूँगा जो आप लोगों को अपने दिमाग में हमेशा रखनी है जब भी आपको लेंसेज से रिलेटेड नोमेरिकल्स को सॉल्व करना है सबसे पहला पॉइंट ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर दूसरा पॉइंट कि जो ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड वाले डिस्टेंसेस होंगे दे आर टेकन नेगेटिव और जो भी ऑप्टिकल सेंटर से राइट right साइड वाले डिस्टेंसेज होंगे दे आर टेकन पॉजिटिव ठीक है वंस अगेन एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि ऑल द डिस्टेंसिस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर एंड डिस्टेंसिस ऑन द लेफ्ट ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर आर टेकन नेगेटिव एंड डिस्टेंसिस ऑन द राइट ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर आर टेकन पॉजिटिव तो आप सब लोगों सब लोग जो है ठीक है ना एक चीज मैंने आप लोगों को बता दी थी कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं फोकल लेंथ बोलते हैं तो F1 जो है यहां पे फोकल लेंथ है किसका Lens का. और ऑप्टिकल सेंटर है, है तो इन दोनों अब ये चीज आप लोग मेरे को बताएंगे कि इन दोनों लेंसेज में से किसका फोकल लेंथ नेगेटिव है और किसका पॉजिटिव है ठीक है तो आई एम श्योर दैटों को समझ आ गया होगा कि कनकेव लेंस में जो फोकस है वो कौन सी साइड को है लेफ्ट साइड को है तो उसकी फोकल लेंथ भी कौन सी साइड को है लेफ्ट साइड को है तो यहां पे इसका जो फोकल लेंथ होगा कंकेव लेंस का ये क्या होगा बेटा नेगेटिव और इसका जो फोकस है वो कौन सी साइड को है राइट right साइड को है तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी ठीक है ना वो कैसी होगी बेटा पॉजिटिव तो ये आपने याद रखना है कि विच लेंस हैज द पॉजिटिव फोकल लेंथ एंड विच लेंस हैज नेगेटिव फोकल लेंथ अब बात है कि अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर ऑफ द लेंस भी क्या आएगा नेगेटिव आएगा ठीक है और अगर फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव में है तो पावर जो है लेंस का वो भी किस में आएगा पॉजिटिव में आएगा तो दोनों लेंसेज में से विच लेंस हैज द पॉजिटिव पावर जो है वो पॉजिटिव में एक्सप्रेस होती है एंड कौन से लेंस का जो पावर है वो नेगेटिव में एक्सप्रेस होता है ठीक है ना तो आई आई एम श्योर दैट ऑल ऑफ यू आर क्लियर ठीक है कि पावर ऑफ कन्वेक्स इज पॉजिटिव एंड पावर ऑफ कनकेव नेगेटिव ठीक है तो so बेटा आप आज के लिए जो है वो इतना ही पढ़ेंगे ठीक है और नेक्स्ट क्लास में डोंट मिस द नेक्स्ट क्लास क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ नोमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू द लेंस फॉर्मूला विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू टिल देन ओके बाय टेक केयर